दोस्तों ट्रू कॉलर को तो आपने जरूर यूज किया होगा, या अगर यूज ना भी किया हो तो सुना तो जरूर होगा ट्रू कॉलर के बारे में। इनफैक्ट पूरे इंडिया भर में इसके 23 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, और अक्सर आप सभी ना मुझसे सवाल पूछते रहते हैं कि यार ये ऐप आखिर काम कैसे करती है। मतलब काफी लोगों को तो इनफैक्ट क्यूरियोसिटी है ये जानने में कि ट्रूकॉलर जो है वो पैसे कैसे कमाती है, और कुछ लोग जो है वो इस बात को सोच के चिंता में है कि भैया ट्रूकॉलर के बाद में तो जो प्राइवेसी है उसका क्या होगा, जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह फोन में सेव किए हैं कहीं वो कहीं बाहर ना निकल जाएं। तो आज अब इस वीडियो को आगे देखते रहिए लाइक और शेयर करते हुए, और मैं आपको बताने वाला हूं द सीक्रेट्स ऑफ ट्रूकॉलर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। देखो ट्रूकॉलर जो है ना वो प्राइमरीली ऑफर करती है कॉलर आईडी और स्पैम ब्लॉकिंग। अब सवाल ये है कि ये आखिर करती कैसे है, तो यहाँ पे जो ताकत है वो है कम्युनिटी की। कम्युनिटी बोले तो सभी यूजर्स। बेसिकली क्या होता है, जब यू नो ये कम्युनिटी किसी एक नंबर को रिपोर्ट करती है कि भैया ये नंबर एक नो स्पैम है, तो वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। और जब आपको उस नंबर से कॉल आता है तो आपको दिखता है सामने स्क्रीन पे बड़ा बड़ा लाल रंग कि भैया ये जो कॉल है ये किसी सस्पिशियस यू नो स्कैमर का हो सकता है। इसी के अलावा यहाँ पे कहीं ना कहीं ये समझ लो कि एक ऑप्शन मिल जाता है सभी यूजर्स को ये पता लगाने का कि ये जो कॉल आ रहा है वो कॉल आखिर कर कौन रहा है। मतलब यू नो हमको पता होना चाहिए यार, अगर तो कोई कॉन्टैक्ट सेव्ड है एक बहुत अच्छी बात है, अगर सेव्ड नहीं भी है तो एटलीस्ट एक पता तो चल जाए ना कि ये कौन है इसके पीछे कॉल के। मतलब जैसे हम दरवाजों के अंदर लगाते हैं ना छोटा वो छेद देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं समझ लो कि हमारे फोन में एक ऐसा छेद जो है वो लग जाता है ट्रूकॉलर इंस्टॉल करने के बाद में। ट्रूकॉलर का भी जो प्राइमरी एक कोर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि यार यू नो मिलियंस एंड मिलियंस को बचाया जाए ऐसे ही ऑनलाइन यू नो फ्रॉड्स वगैरह के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो कोर फीचर्स हैं इस ऐप के उनको दोस्तों फ्री रखा गया है, उनके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस ट्रूकॉलर चार्ज नहीं करता है। और काफी लोगों के मन में खैर जो कंसर्न आते हैं ना कि भैया प्राइवेसी का क्या है या किस तरीके से ये ऐप जो है फंक्शन करेगी, मैं खैर उसके बारे में आपसे बात करने वाला हूँ एग्जैक्टली डिटेल में। बट उससे पहले अगर आपसे बात करूं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, तो ट्रू कॉलर जो है वो ग्लोबली हर साल जो है वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कॉल्स को ब्लॉक करता है, और इनफैक्ट करोड़ों रुपए जो है वो स्कैमर्स के हाथों बर्बाद होने से बचाता है, जहां पे यूजर्स को पहले ही बताया जाता है कि भैया जो कॉल आ रही है ना ये किसी सस्पिशियस स्पैमर की हो सकती है, तो आप इससे बच के रहो। इनफैक्ट अगर हम बात करें केवल पिछले साल अकेले की, तो ट्रू कॉलर ने 38 बिलियन कॉल्स को ब्लॉक किया है। बहुत ज्यादा, इतनी कॉल्स कौन कर रहा है यार। लेकिन यू नो इसके अलावा अगर आपसे बात करता हूँ तो ट्रू कॉलर जो है वो इंडिया में एक रजिस्टर्ड कंपनी है, और अगर हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर्स की तो ये आती है स्वीडन से, जहाँ पे इसका एचक्यू है स्टॉकहोम में। और जहाँ पे हम बात करते हैं यार प्राइवेसी को लेके या यू नो इन सब कंसर्न्स को लेके, तो काफ़ी लोग जो है उनके दिमाग में सबसे पहला कंसर्न यही आता है कि कॉन्टैक्ट्स। भाई देखो ट्रू कॉलर में जब आपने अकाउंट बनाया, आपने जैसे उसको इंस्टॉल किया, तो आपकी जो पूरी फोन बुक है ना वो ऑनलाइन चली गई। ऐसा बहुत लोगों को लगता है, यार देखो ऐसा नहीं है। बेसिकली जो कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस है वो ट्रू कॉलर को इसलिए चाहिए ताकि वो फंक्शन कर सके ठीक तरीके से, क्योंकि ये एक डायलर ऐप है। अब अगर एक डायलर ऐप आप यूज़ कर रहे हैं और वो आपके कॉन्टैक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती है, तो वो फंक्शन कैसे करेगी। तो एक कोर फंक्शनैलिटी के लिए इसको चाहिए अपने कॉन्टैक्ट्स की यू नो एक्सेस, जहाँ पे अगर कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है तो ये देख के बता देती है, जब आप इसको डायल करते हैं तो ये आपकी कॉन्टैक्ट जो आपकी फ़ोन बुक है उसको चेक करती है ऑफकोर्स। और अगर हम बात करें यू नो गूगल प्ले स्टोर की, एप्पल ऐप स्टोर की, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ऐप। तो ये जो दिमाग में कंसर्न निकल के आता है कि यार भैया कॉन्टैक्ट्स को जो है वो कहीं चोरी कर लिया जाएगा, कहीं सर्वर्स पे अपलोड कर लिया जाएगा, ये आई डोंट थिंक यू नो इज लॉजिकल। मतलब एक मजे की बात अगर आपको बताऊं गाइस, तो इंडिया में ना अभी कोई भी डेटा प्रोटेक्शन लॉ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके ऊपर प्लानिंग चल रही है और लगता है कि जल्दी हमारे देश में ऐसा एक लॉ हमको देखने को मिल जाएगा। बट ट्रू कॉलर जो है बेसिकली दोस्तों वो अडहर करता है नो यूरोपियन यूनियन के GDPR को, और इनफैक्ट इंडिया में भी दोस्तों यूजर्स को जो है वो पूरा ऑप्शन देता है। अगर आप जाते हैं ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स में तो वहां पे आपको बहुत सारे जो है वो एकदम ऐसा एक्सटेंसिव डेटा प्रोटेक्शन वाले पूरे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एकदम आगे बढ़ते हुए ट्रू कॉलर SMS की, तो खैर देखो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल एकदम ऑप्शनल है और ये कंप्लीटली ऑफलाइन काम करता है। बेसिकली ये एक SMS ऑर्गेनाइजर है यार, हमको ना डेली बेसिस पे कितने सारे SMS आते हैं, और उसमें ना कई बार जैसे OTP हो गया, कई बार कोई फ्लाइट इन्फॉर्मेशन हो गई, कई बार कोई बैंक का यू नो क्रेडिट डेबिट का कुछ मैसेज हो गया, तो वो एकदम ऐसा पूरा लंबा लंबा पैराग्राफ लिखा हुआ आता है। कुछ लोगों के मन में ये डाउट होता है कि भैया ट्रू कॉलर SMS अगर मैंने यूज़ किया ना तो ट्रू कॉलर को पता चल जाएगा कि मेरे बैंक में कितना पैसा आ रहा है कितने पैसे जा रहा है।
ऐसा नहीं है, इट्स ऑल ऑफलाइन। और ये एक स्मार्ट तरीके से वो जो सिलेक्टेड इन्फॉर्मेशन है उसको पिक करके अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको एक ढंग से प्रेजेंट कर देता है, ताकि जो SMS की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मालूम चल जाए, जो आपके काम के SMS हैं वो आप अलग देख पाएं, जो कुछ रैंडम ऐसे ऑफर्स वाले होते हैं वो साइड में हट जाएं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे कहने के पहले लाइफ को एक काफी और ईजी बना देता है। चलो यार, अब हम बात करते हैं जल्दी से कि क्या होता है जब आप इंस्टॉल करते हैं ट्रूकॉलर को एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से। भाई देखो, अगर आपने सही ऐप को इंस्टॉल किया है, देखो वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी लुकलाइक ऐप को इंस्टॉल कर लो और उसके बाद में आपका जो डेटा है वो कहीं मिसयूज़ हो। तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि जो इसका ऑफिशियल डेवलपर है वो है ट्रू सॉफ्टवेयर स्कैंडिनेविया AB। और बेसिकली आपको ये काफ़ी हाईली रेटेड ऐप मिल जाएगी दोनों ही स्टोर्स पे। इनफैक्ट गूगल प्ले स्टोर पे तो ये एडिटर चॉइस ऐप भी जो है वो रहती है। अब जब आपने ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, कॉन्टैक्ट्स कहीं अपलोड नहीं होने वाले हैं, डोंट वरी। अब जब आपको कोई कॉल आता है तो सबसे पहले ये ऐप चेक करती है आप ही की फ़ोन बुक में कि क्या आपने उस नंबर को सेव किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो बड़ा आसान है, आपको जो है वो उसका नाम सामने दिख जाएगा। उसके अलावा अगर वो नंबर वहाँ पे नहीं मिलता है तो आपको जो है वो नंबर की जगह पे जो नाम दिखता है वो होता है जो कि जब ट्रूकॉलर अकाउंट बनाया गया उस टाइम पे जिस नाम को यूज़ किया गया था। और इसके अलावा अगर कम्युनिटी ने जो है वो किसी नंबर को स्पैम वगैरह मार्क किया है तो आपको सामने वो दिख जाता है कि भैया ये तो एक स्पैमर है। हाँ, आपका एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने किसी निकनेम से किसी को सेव किया है ना, फॉर एग्जांपल बेबी, बाबा, पापा, या जो भी है, तो आपको फिर वो रियल नाम नहीं आएगा, आपको वो निकनेम ही शो होगा जब आपको कॉल आता है ट्रूकॉलर ऐप में। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कि आखिर ट्रूकॉलर पैसे कैसे कमाते हैं। भाई बिजनेस मॉडल क्या है, क्या इन्फॉर्मेशन कहाँ से कहाँ क्या जा रही है। गाइस, सिंपल बात बताता हूँ, ट्रूकॉलर जो है उसकी इनकम के मेनली तीन अलग अलग ऑप्शंस निकल के आते हैं। सबसे पहला जो है वो है एड्स। अभी जो एड्स हैं ये हैं सभी नॉर्मल फ्री यूजर्स के लिए। जब आप ऐप यूज़ करते हो तो आपको वो छोटे छोटे जो हैं वो बैनर एड्स देखने को मिलते हैं, और वो जो एड्स हैं वो ट्रूकॉलर को पैसा कमा के देते हैं। तो ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस का, कि जो प्रीमियम यूजर्स हैं जिनको वो ऐड नहीं देखने हैं या जिनको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो वो भी ट्रूकॉलर को पैसा देते हैं, तो ट्रूकॉलर वहाँ से पैसा कमा लेता है। इसके अलावा ट्रूकॉलर जो है वो दोस्तों काम में लेता है तीसरा ऑप्शन, जो कि है कि वो वेरिफिकेशन करता है जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं उनका, कि जब भाई उनके नंबर से कॉल आए तो आपको एक वेरीफाइड का मार्क आ जाए, तो ट्रूकॉलर वहाँ से भी पैसे लेता है। तो मेनली ये तीन तरीके हैं जहाँ से ट्रूकॉलर जो है पैसे कमा पाता है। तो मतलब देखो, अगर हम बात करें कंक्लूजन की, जहाँ पे हमने सभी ऑप्शंस के बारे में बात करते हुए इनफैक्ट पैसे की बात भी कर ली, भैया ट्रूकॉलर पैसे कैसे कमाता है, तो कंक्लूजन यही है यार कि बेसिकली प्राइवेसी सेंटर जो है वो हमको मिलता है ट्रूकॉलर की ऐप में, और बेसिकली काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे अपना डेटा जो है जो ट्रूकॉलर के साथ में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपने अकाउंट को पूरा डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप ट्रूकॉलर को यूज़ ना भी करते हो तो भी आपके पास में एक डेडिकेटेड अनलिस्टिंग का ऑप्शन होता है, अगर आप चाहें कि भैया आपका नंबर लिस्ट ना हो तो आप वो भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया में जो हमारे पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज आएंगे तब बाकी ऐप्स को ये सब चीज़ें ऑफर करनी पड़ेंगी, बट अभी ट्रूकॉलर के पास में ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी सालों से हैं, और मतलब जो भी डेटा हैंडल यूजर्स का वो कम्प्लीटली लोकलाइज्ड होता है, इंडिया में स्टोर होता है। यहाँ पे आई थिंक इट्स अ वेरी वेल डन थिंग फ्रॉम ट्रूकॉलर। तो बेसिकली बॉटम लाइन यही है यार कि ये मतलब एक काफ़ी सेफ ऐप है, और इसको यूज़ करना कहीं ना कहीं आपको और ताकत दे देता है कि आप जो है वो बचे रह सकते हैं स्पैमर्स या स्कैमर्स जो कॉल करते हैं कई बार उन लोगों से, कि आपको मिल जाता है ये ऑप्शन पता लगा लेना कि जो कॉल कर रहा है वो इंसान कौन है रियल टाइम में, बाय द वे। तो ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग है कि ऑप्शंस लेके आती है ऐप, और कहीं ना कहीं सेफ्टी के मामले में कंसर्न कोई नहीं होना चाहिए। मैं खुद यूज़ करता हूँ ट्रूकॉलर को, हमारी टीम मेंबर्स में सभी लोग हैं, ऑलमोस्ट सभी ने हाँ बोला है, तो सभी लोग जो है वो ट्रूकॉलर जो है वो यूज़ करते हैं। आई थिंक आपके सभी सवालों के मैंने सभी जवाब दे दिए होंगे, तो गो अहेड यूज़ इट, एंड इफ यू वांट टू नो मोर तो जो प्राइवेसी कंट्रोल है वहाँ पे जाके आप और बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं डेटा को। एंड आई थिंक एज अ टेक गीक यू शुड डेफिनेटली डू दैट। मेरे को लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल गई होगी इस वीडियो में। अगली कौन सी ऐसी ऐप है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं मुझे बताना ज़रूर, मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगा उसी के बारे में। फिलहाल खैर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।